दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की अल्टो 800 है, 2016 का मॉडल है, सीएनजी प्लस पेट्रोल कार है। तो इसका हम डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूं क्योंकि इसका जो हीटर हाई पे रखा हो ना, जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी अभी चालू है अपना, और हीटर जब हाई पे की है ना तो हीटिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 28, यानी बाहर का टेम्परेचर अभी 22 डिग्री सेंटीग्रेड है बाहर का क्लाइमेट। तो काफी टाइम से गाड़ी चालू रखा हूं बट हीटिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, ये तीनों में आ रहा है बट ये वाली वेंट में आ ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से हम इसका डैशबोर्ड खोलेंगे, डैशबोर्ड खोल के हीटर को रिप्लेस करेंगे। बाहर सब कुछ प्रॉपर फिट है, एसी बीसी कूलिंग सब प्रॉपर हो रहा है। तो चलो फिर हम इसका डैशबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट करेंगे और मैं वीडियो के साथ साथ आपको दिखा दूंगा क्या क्या खोलना पड़ रहा है इसका। तो चलो फिर हम इसका डैशबोर्ड खोलना स्टार्ट कर रहे हैं। कि आप देख पा रहे हैं मैंने गियर बॉक्स के ऊपर का कंसोल बॉक्स का जो कवर है वो खोल दिया हूँ और गियर बॉक्स को खोल के पलटी मारा हूँ। क्यों पलटी मारा हूँ, जरूरत तो नहीं थी खोलने की, लेकिन डैशबोर्ड को जो हम होल्ड करेंगे ना, सीट के ऊपर होल्ड करेंगे ना, तो इसकी वजह से अड़चन देगा, इस वजह से मैंने इसको खोल दिया है। और यहाँ देख पा रहे हैं आप कौन सी सॉकेट निकालना पड़ेगा। ये रही रजिस्टेंट की सॉकेट, ये रही थर्मोस्टेट की यानी कूलिंग कॉइल में जो सेंसर लगी रहती है उसका, और ये केबल निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों सॉकेट निकालना पड़ेगा जो कि देख पा रहे हैं, ये वाली सॉकेट निकालना पड़ेगा आपको, और ये ब्लोअर की सॉकेट, और ये बीसीएम में जो एक सॉकेट दी रहती है वो वाली, ये सब निकालना पड़ेगा आपको, और एक सॉकेट ये वाली। निकालने के बाद इजीली ये तो आप देख रहे कंट्रोल यूनिट तो बाद में निकलेगा, पहले डैशबोर्ड को निकालेंगे विथ एंगल के साथ। और साइड में रही दो 10-12 नंबर का जो साइड में दिया रहता है इधर, ये दोनों खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये स्टेयरिंग कॉलम निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये वाली सॉकेट रही, पांचों सॉकेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद बस इतना ही, ये उसके बाद ये वाली अर्थिंग का वायर निकालना पड़ेगा, मैं निकाला नहीं हूँ अभी, निकालना पड़ेगा। उसके बाद स्टेयरिंग कॉलम को खोल के नीचे और ये वाली दोनों केबल निकालना पड़ेगा आपको, फिर इजीली अपना डैशबोर्ड निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं अपना डैशबोर्ड को पलटी मार के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। साइड पैनल खोलना पड़ेगा और ये जो 10 नंबर देख रहे हैं ये 10 नंबर तीनों खोलना पड़ेगा, और साइड पैनल इधर का भी खोल के ये इसका डैशबोर्ड खोलना लगभग बिल्कुल ईजी है। तो मेरा सब कुछ खुल चुका है, अब मेरे को पलटी मारने का है, फिर पलटी मार के मैं आपको दिखाता हूँ आगे। चलो फिर पलटी मारने लगता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली हम डैशबोर्ड खोल दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये रही हमारा कंट्रोल यूनिट। इसका कूलिंग कॉइल अगर बाहर निकालेंगे तो आप ऐसे बगैर डैशबोर्ड खोले निकल जाता है, लेकिन बट हमको हीटर कॉइल चेंज करने का है, इसकी वजह से हमको कंट्रोल यूनिट पूरा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक 10 नंबर यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, और इधर है एक, और एक इधर है। बस बाकी ये सब मैं खोल के आपको बाहर निकाल के फिर आगे आपको दिखाऊंगा। और इसका हीटर का पाइप निकालना पड़ेगा और कूलिंग कॉइल का जॉइंट। हीटर का पाइप निकालने के लिए दिक्कत देता ही है, लेकिन कोई गाड़ी में, मतलब ये वाली गाड़ी में, हीटर का पाइप का क्लिप निकालने में काफ़ी दिक्कत देता है। तो चलो फिर हम ये सब कुछ निकाल के बाहर निकाल के फिर आपको आगे दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी नीचे रहता है, तो हाथ यहाँ प्रॉपर तरीके से जाता नहीं है, इसको ऐसे ही निकालने में तकलीफ देती है, बाकी और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ रही एक्सपेंशन वाल, यहाँ रहता है, यहाँ का ज्वाइंट खोलना पड़ेगा 10 नंबर। तो चलो फिर ये सब कुछ मैं बाहर निकाल के, कंट्रोल यूनिट बाहर निकाल के, हीटर कॉइल रिप्लेस करके मैं फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं इसको फाइनली खोल चुका हूँ। तो ये मेरा पूरा इजीली निकल गया, देख पा रहे हैं। तो चलो फिर हम इसको बाहर ले लेते हैं, बाहर लेके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैं बाहर ले चुका हूँ इसको। बाहर लेने के बाद देख रहे हैं ये वाली हीटर कॉइल है, और ये देखो जाम हो चुका है, इधर मट्टी वगैरह पूरा बैठ के जाम हो गया है, इसकी वजह से क्लाइंट का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये रही नया हीटर कॉइल, प्राइस भी लिखा हुआ है इसमें, देख पा रहे हैं 905 रुपये का है। इसको निकाल देता हूँ मैं, ये रही है बिल्कुल नया वाला।
तो चलो फिर हम इसको डालते हैं, डाल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, हम इसमें नया वाला हीटर कॉइल डाल चुके हैं, देख पा रहे हैं आप। अब चलो हम इसको गाड़ी में फिटिंग कर देते हैं, गाड़ी में लेके जाता हूँ, गाड़ी में फिटिंग करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैं कंट्रोल यूनिट पूरा बैठा चुका हूँ, पूरा फिट हो गया अपना। अब मेरे को डैशबोर्ड डालने का है, तो चलो फिर हम आपको डैशबोर्ड डाल के फिर आगे दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं आप, मैं डैशबोर्ड डाल चुका हूँ। अब मेरे को सब फिटिंग करना है, जो जो खोला हूँ इसका, वो सब फिटिंग करके फिर मैं फाइनल आपको आगे दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब खुली पड़ी है, सब मैं फिटिंग कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। चलो फिर दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने गाड़ी को पूरी तरीके से फिट कर चुका है और गाड़ी अपनी चालू है अभी। जैसा कि देख पा रहे हैं, गाड़ी चालू है, एसी बंद है, एसी चालू कर लेता हूं पहले, और कूलिंग टेम्परेचर आपको दिखा दे रहा हूं, थर्मामीटर ऑफ है अपना। जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी मैंने हीटर पे रखा था, कूलिंग पे किया हूं, अभी 47 पे आ चुका है, अभी धीरे धीरे कम होगा। तो कूलिंग टेम्परेचर मैं ड्रॉप होने दे रहा हूं, कितना तक आ रहा है वो भी दिखाऊंगा, और आपको हीटर का टेम्परेचर भी दिखाऊंगा कि प्रॉपर हुआ क्या नहीं है। तो चलो, जब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, यानी बंद कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एसी चालू है और कूलिंग टेम्परेचर 6.1 पे आ चुका है। अब मैं इसका हीटर हाई पे कर रहा हूँ और हीटिंग टेम्परेचर आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे, हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, थोड़ी देर वीडियो होल्ड कर रहा हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कितना जा रहा है, पहले कितना जा रहा था, अब कितना जा रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, 47 पे आ चुका है, यानी 48 पे आ चुका है, 49 अभी भी भर रहा है, लगभग 60 तक जाएगा, यानी इसका सिस्टम सभी प्रॉपर अभी हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हीटर कॉइल जाम होने की वजह से एक साइड से ही हीटिंग आएगा और एक साइड नहीं आता है। ये प्रॉब्लम अगर आपके गाड़ी के साथ भी अगर हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि हीटर कॉइल गया हुआ है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस मेरा यही ये है कि आप लोगों तक ये वीडियो समझाना, यानी आपको बताना, दिखाना, आपके सामने लाना कि आखिर कौन सा पार्ट गया हुआ रहता है, क्या होता है, यही रीजन है, बाकी और कुछ दूसरा कुछ नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, या फिर वीडियो देख करके अगर समझ में आता हो, तो आप कॉमेंट करके जरूर बताए कि हाँ वीडियो अच्छी है। अगर नहीं, अगर वीडियो अच्छी होती है, तो फिर ये भी कमेंट करके बताओ कि वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, अच्छे से नहीं बनाए हो, प्लीज कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कहाँ हूँ और किस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ और किस तरीके से बनाना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए बाय बाय।